अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेट्स केयर एंड इन्फो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि अंडों में नर मादा की पहचान होगी। जब आपके कबूतर के अंडे देगी ना मादा, आप तभी उसको पहचान सकते हैं कि इसमें से जो है ना नर बच्चा किस में से निकलेगा और मादा बच्चा किस में से निकलेगी। तो ये है मेरा ब्रीडिंग सेटअप, ठीक है। इसके अंदर जो है ना सारी ब्रीडिंग होती है और ये जो है ना उड़ाने वाला सेटअप है, ठीक है। जो बच्चे इसमें से ब्रीडिंग सेटअप में है तैयार होते हैं ना, वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और फिर जो है ना इनको उड़ाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नर मादा की पहचान किस तरह से करते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग मेरे लॉफ्ट में जो है ना कुछ बच्चे निकले हैं, ये देखें। जैसे कि एक ये पट्टा निकला हुआ है, एक ये पट्टा निकला हुआ है, दो, एक ये पट्टा निकला हुआ है, तीन, वो पीछे चार, ठीक है, चार पट्टे और एक नीचे जो है ना लास्ट में इनका है। पाँच पट्टे टोटल जो है ना इस ब्रीडिंग सेटअप में मेरे मौजूद हैं। एक जो है सामने पेयर रखा हुआ है उसका एक पट्टा निकला था, वो मैंने जो है ना यहाँ पर उड़ने वालों के साथ डाल दिया। ये माशाल्लाह से आजकल जो है ना ट्रेन हो रहा है। तो खैर अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से। मेरे पास इस वक्त जो है ना वो दो मादियों ने अंडे दिए हैं, ठीक है। एक तो इस पेटी के अंदर जो है इसने अंडे दिए हैं और दूसरी जो है ना ये मादी बैठी हुई है, इसने अंडे दिए हैं। वहाँ जो मैंने आप लोगों को बच्चा दिखाया ना उस जगह पर इसी का बच्चा है, ठीक है, इसी पेयर का बच्चा है। ये इसकी फीमेल है जंगलन और इसका मेल ये बैठा हुआ, ये बाहर निकल गया, ठीक है। अब खैर इसको आराम से जो है ना बाहर निकालते हैं। ये फीमेल है, इसने जो अभी अंडे दिए हैं। माशाल्लाह से इसके जो है ना बच्चे वगैरह बहुत ज़बरदस्त हेल्दी और अच्छे पालते हैं ये। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंडे में नर मादा की पहचान किस तरह से होगी ना, ये हमारा टॉपिक है ना। तो इसको मैं आप लोगों को आज बहुत क्लियरली समझा देता हूँ कि किस तरह से है। अब देखें, इस जोड़े ने दो अंडे दिए हैं, ठीक है, एक और ये दो। इसमें एक अंडा आप लोगों को दिख रहा होगा ये गोलाई की शेप में, ठीक है। ये जो गोल अंडा सा है ना, ये है इसके अंदर नर बच्चा। ये मैं आपको बहुत गारंटीड और बहुत तजुर्बे के साथ ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो गोलाई सा अंडा है ना, ठीक है, हल्का ओवल है, ठीक है, ये इसमें नर बच्चा है, ठीक है। इस अंडे को आप लोग अगर सही से दिख रहे हो ना, इसको देख लें, ये है नर बच्चा। और ये अंडा जो लंबाई में है ना, थोड़ा यूं लंबाई में, ठीक है, ये ज़्यादा ओवल शेप में है, ठीक है, इसमें है मादा बच्चा। अब आप लोग दोनों अंडों का अगर इस तरह से रख के देखें ना, ये अंडा थोड़ा लंबाई में ना इस तरफ वाला थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, और ये अंडा जो है ना ये थोड़ा लंबाई में कम है, गोलाई में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है ना वो नर बच्चा है और इसके अंदर जो है ना वो मादा बच्ची है। ये मैं आप लोगों को बहुत तजुर्बे के साथ बता रहा हूँ। आप लोग अपने पास अगर आप लोगों का कोई पेयर हो ब्रीडिंग वाला, तो आप उसमें जो है ना आसानी से ये चीज़ तजुर्बा कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर आप लोग मुझे याद करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक दूसरा पेयर ने जो अंडे दिए ना उसका भी निकाल के दिखाता हूँ कि उसने जो है ना कैसे अंडे दिए, उसमें नर है या मादा है, क्या है, ठीक है। अभी मैं इसको वापसी रख देता हूँ। देखें, मादी जो है ना वापसी आके अपने अंडे ढूंढ रही है, तो इसको सुकून से यहाँ पर वापसी रखते हैं। और इसके जो है ना एक अंडे में से ये बच्चा भी मेरे ख्याल से निकलने वाला है। ये अंडा हल्का हल्का सा जो है ना क्रैक हो रहा है यहाँ से, तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इसको दिए हुए भी जो है ना काफ़ी दिन हो गए, तो हो सकता है कि इसमें से जो है ना अब बच्चा निकल जाए। मैंने चेक नहीं किया इसको टॉर्च वगैरह लगा के कि अंदर क्या पोजिशन है। इसको अब आराम से रख देते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे पेयर की तरफ, इस वाले जो है ना पेयर का नर मादा की पहचान, ठीक है। इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा, अब देखें दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वाली बात समझ ली होगी ना, तो आप लोगों को इन अंडों में पहचानने की बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अंदर जो है ना वो दोनों मादा बच्चे हैं, ठीक है, इसके अंदर दोनों मादा बच्चे हैं, क्योंकि इस अंडे की भी लंबाई जो है ना यूँ चोंच से निकली हुई है इस तरफ, और इस तरफ भी चोंच से निकली हुई है, ठीक है। इसमें भी जो है ना मादा बच्चा है और इसकी भी जो है ना, देखें, चोंच इस तरफ से ज़्यादा निकली हुई है, गोलाई कम है, इस तरफ से भी चोंच ज़्यादा निकली हुई है, गोलाई कम है। तो इन दोनों के अंदर जो है ना वो फीमेल है, ठीक है, ये दोनों जो है ना फीमेल वाले एग्स हैं। अगर इसमें कोई मेल होता ना, तो ये जो चोंच से निकली हुई है ना यहाँ साइड से, ये थोड़ी कम होती और इस तरह से गोलाई थोड़ी ज़्यादा होती। ये दोनों जो है ना ये लंबाई में अंडे हैं, इसका मतलब इसमें दोनों जो है ना वो मादियाँ हैं। और उसके अंदर जो मैंने आपको पिछला दिखाया था, उसके अंदर जो है ना एक अंडा गोल सा था और एक जो है ना ऐसे लंबाई में था, तो इसका मतलब कि उसमें जो है ना नर मादा है।
दोस्तों ये बहुत आसान सी पहचान है। एक बार जब इस पहचान को आप लोग अपने पास तजुर्बा करके देखेंगे ना, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ मेरी बात जो है ना वो बिल्कुल सही थी। तो इसको जो है वापसी अंदर रख देते हैं। और दोस्तों इसी तरह से जो है ना मैं आप लोगों के साथ कबूतरों के हवाले से तमाम वीडियोस, तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।